अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लीजिए फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम चलेंगे ज़िला ज़ियारत। ज़ियारत की अहमियत से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही इसके बारे में जानता है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ज़ियारत का मशहूर प्रॉस्पेक्ट पॉइंट, सेंडेमन तंगी, ज़ियारत की मशहूर मुर्ग सज्जी और बहुत कुछ। तो आप वीडियो का मज़ा लीजिए और इस लाल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, क्योंकि हौसला अफजाई के लिए ये भी ज़रूरी है। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबह सवेरे घर से गाड़ी निकाली और बग़ैर नाश्ता किए अपना सफ़र शुरू किया और चलते चलते संजावी पहुँच गए। वैसे संजावी भी बहुत खूबसूरत जगह है और इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। संजावी पहुँचते ही शहर के मरकज़ी मस्जिद के साथ ही एक होटल पर रुके। यहाँ का नाश्ता बहुत ही आला है और इसके खाने भी लाजवाब हैं। और वैसे भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे छोटे होटलों पर ज़रूर रुकना चाहिए। आप देख सकते हैं कि होटल मालिक के छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, और होटल का मालिक इन्हीं का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है। तो आपका कभी भी यहाँ से गुजर हो तो इस होटल पर ज़रूर रुकें। हमने नान, चने और मक्खन से नाश्ता किया जो कि बहुत लजीज था। मज़ेदार नाश्ता करने के बाद हम ज़ियारत की तरफ दोबारा रवाना हो गए। तो रास्ते में एक बाग पर रुके, वहाँ से कुछ सेब लिए और अपने सफ़र को जारी रखा। बादलों की चादर से ढके पहाड़, बादाम, चेरी और सेब के बागात, लहलहाते खेत, बल खाती सड़क और ये ताज़ा और ठंडी हवा, पूरे रास्ते हम इस माहौल की ताजगी को महसूस करते रहे। ज़ियारत पहुंचते ही प्रॉस्पेक्ट पॉइंट की तरफ रुख किया और कुछ देर वहां के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब हम वहाँ से वापस आए तो रेजिडेंसी बंद हो चुकी थी, इसलिए हम यहाँ नहीं जा सके। तो हमने संडेमन तंगी की तरफ जाने का इरादा किया। हम बाजार से होते हुए संडेमन तंगी की तरफ चलते रहे। एक नहीं तीन टूटी हुई, टूटी हुई हैं सीढ़ियाँ। अब यहाँ से मैं क्रॉस कैसे करूँ? ये नहीं।
ऊपर से पानी बह रहा है। ये हमारे लोगों का हाल है, कोई जगह साफ नहीं छोड़ते। हमें माहौल का खास ख्याल रखना चाहिए, कम से कम अपने साथ लाई हुई चीज़ों का कूड़ा अपने साथ वापस ले जाना चाहिए ताकि माहौल साफ रहे और आलूदगी ना फैले। यहाँ घूमने फिरने के बाद भूख का एहसास होने लगा तो दोस्तों ने वापस बाजार चलने का फैसला किया। बाजार पहुंचकर हमने मुर्ग सजी खाने का फैसला किया। हमने मुर्ग सजी मंगवाई और कुछ ही देर में हमने इसका ये हशर कर दिया। खाना खाने के बाद वापस रवाना हुए तो रास्ते में बारिश ने मौसम को और भी खुशगवार कर दिया। इस खूबसूरत सफर का इख्तिताम आखिरकार वापस अपने शहर लोरालाई पे हुआ और हम सब दोस्त इस सफर से बहुत लुत्फानंदोज हुए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।